नमस्कार दोस्तों, एके इलेक्ट्रिक ज्ञान यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग का दीवार कैसे काटा जाता है, कैसे इसको फिट किया जाता है, किस जगह काटना चाहिए, दोस्तों आज हम आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल घंटी दिया है उस पर टच कर ले। तो दोस्तों ये रूम में कैसे कटिंग करना है, दोस्तों रूम है बड़ा वाला जो हॉल है, दो रूम के एक बराबर है। इसमें पहले से बैंड झुलाया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ भी बैंड लगा हुआ है। यहाँ गलत जगह बैंड लग गया है, लेकिन वहाँ ईंट से जोड़ा जाएगा। पहले क्या कर लेंगे, दीवार पर खली से पहले दागी दे लेंगे कहाँ हमको किस साइज का बोर्ड लगाना है। तो दोस्तों यहाँ मेन बोर्ड लगाना है और यहाँ सा फुट लाइट के लिए बोर्ड लगाना है। उसी तरह यहाँ भी बैंड झुलाया हुआ है और इस पर भी दागी दे लेंगे उसी तरह से। हम ये दागी दे लिए और यहाँ पर 12 मॉडलर का बोर्ड लगाएंगे और इसके ठीक नीचे में हम जो फुट लाइट है, फुट लाइट के लिए जंक्शन लगाएंगे। एक रूम में 2 फुट लाइट के लिए जंक्शन इसमें देना है और ये रूम मालिक का मांग है कि 2 फुट लाइट और 2 6 मॉडलर का बोर्ड चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम 6 मॉडलर का बोर्ड यहाँ पर यूज करेंगे हम। जहाँ साइज के अनुसार, जहाँ जैसा बोर्ड मांग रहा है वैसा बोर्ड हम लोगों को देना है। और अभी हम सिंगल हैं और यहाँ फुट लाइट के लिए दीवार काटे हुए हैं। साइज ले दागी देकर उस पर दीवार काट लेंगे और देख रहे हैं किस तरीके से काटा हुआ है। यहाँ पर जंक्शन देंगे उसी तरह, यहाँ भी काट लिए हैं। 2 लोग और हैं, वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, इसलिए हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और यहाँ बोर्ड के लिए काट दिए हैं। और यहाँ देख रहे हैं एक होल्डर का जंक्शन दे दिए हैं और यहाँ पर 6 मॉडल का बोर्ड दिए हैं। दोस्तों हमको यहाँ पर भी उसी तरह से है, यहाँ पर जंक्शन दिया है और एसी के लिए पॉइंट दिया है और यहाँ 6 मॉडलर का बोर्ड। दोनों एक साइज में रहना चाहिए दीवार में। और एक लोग आ गए हैं और इसको हम मशीन से काट रहे हैं। डाली देने के बाद इसको साइज में हम संभाल लेंगे, तब इसको हैमरिंग मशीन से इसको तोड़ लेंगे। और लाइट अभी चला गया, इसलिए इसको छेनी हथौड़ी से हम इसको तोड़ रहे हैं और साइज के अनुसार तोड़ना है। और इसके ठीक इसी के सामने अंदर में बोर्ड लगा हुआ है, इसलिए कि स्पेस दोनों तरफ कम बच रहा था, इसलिए एक ही जगह हम बोर्ड दिए हैं। और ये रूम है, कितना आसान है इसको तोड़कर हैमरिंग मशीन से इसको बैठाना। और आप भी नए हैं तो इसको तोड़कर आप बैठा सकते हैं, इसलिए कि पुराने लोगों के लिए तो
ये आसान तरीका है और नए लोगों के लिए थोड़ा सा सीखना पड़ता है दोस्तों। और तरह से नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों को शेयर करना ना भूले। जय हिंद।